नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2 इज क्वेश्चन नंबर 9। प्रीवियस सेक्शन में हमने कहां तक किया था, क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था, राइट। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन इज एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 9 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 10 बोथ आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, तो पहले हम एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। लेट दिस इज द ट्रेपेजियम ए बी। अब ट्रेपेजियम में कितने पेयर होते हैं पैरेलल साइड्स के, वन पेयर। तो ये हो गया आपका ट्रेपेजियम ए बी सी डी, दिस इज द ट्रेपेजियम ए बी सी डी। फिर आपको कहा जा रहा है इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड इट्स डायगनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो दीज आर द डायगनल्स एंड डायगनल्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। डायगनल्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, दिस इज द पॉइंट ओ, इज इट क्लियर, ठीक है। फिर आपको ये कहा जा रहा है शो दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल राइट द गिवन पार्ट। व्हाट हैज बीन गिवन, एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम इन विच, यस, इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी या डी सी, जो भी कहना आपको। नाउ व्हाट वी हैव टू शो, वी हैव टू शो हियर दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। अच्छा एक चीज क्लियर कर देता हूँ, बी ओ लिखो या ओ बी लिखो, बोथ आर सेम। ऐसे सी ओ ओ सी, आप सी ओ कह रहे हो, ओ सी कह रहे हो, बोथ आर सेम। ये तो क्लियर है ना आपको, ठीक है। चलो अब इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा। अब वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ड्रॉ ओ एम। तो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो कैसे दिखाओगे, डॉटेड। तो आपने क्या लिखा, कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ ओ एम पैरेलल टू ए बी। यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द प्रूविंग पार्ट। प्रूफ, नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपने ट्राइंगल कंसीडर किया ए बी डी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्राइंगल कंसीडर किया ए बी डी, तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल ए बी डी। क्या लिखा, इन ट्राइंगल ए बी डी। अब बाय कंस्ट्रक्शन आपने क्या कहा, ओ एम इज पैरेलल टू ए बी। आपने क्या कहा, ओ एम इज पैरेलल टू ए बी, ओ एम इज पैरेलल टू ए बी बाय कंस्ट्रक्शन ओ एम इज पैरेलल टू ए बी। यहां तक समझ में आ रहा है, ओ एम इज पैरेलल टू ए बी। अब अगर ओ एम ए बी के पैरेलल है ना, एक ट्राइंगल है जिसमें ये जो साइड है वो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो बीपीडी क्या कहती है, कि दीज टू साइड विल बी डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो कहना है दैट ए एम अपॉन डी एम, विच इंप्लाइज, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो देयरफॉर ए एम अपॉन डी एम लिखो, या ए एम अपॉन एम डी। देखो ए एम अपॉन एम डी, ये क्लियर है, इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। ये होगी क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 1, कोई डाउट है तो बताओ। क्या कहा आपने, बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन की है दैट ओ एम इज पैरल टू ए बी, तो इस ट्राइंगल में ये जो साइड है वो थर्ड साइड के क्या है, पैरल है। तो बाय बीपीटी, यहां पर रीजन क्या आएगा, बीपीटी। मैंने आपको पहले भी कहा था अगर रेशियो इक्वल हो गए तो बीटी बीपीटी, और कन्वर्स पैरेलल होगा तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो यहां आप रीजन क्या दोगे, बीपीटी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप ये देखो, ओ एम किसके पैरेलल है, ए बी के, ठीक है, और ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। नाउ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब ए बी जो है ओ एम के पैरेलल है, और ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। Because AB is parallel to CD and
ए बी इज पैरेलल टू ओ एम, देयर फोर वट वी विल से दैट ओ एम इज पैरेलल टू सी डी. वाई? बिकॉज लाइन लाइन पैरेलल टू टू डिफरेंट लाइन्स, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो बिकॉज इफ अ लाइन पैरेलल टू टू डिफरेंट लाइन्स देन दीज टू डिफरेंट लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर ये समझ में आ रहा है? ये आपको पूरा एक साथ लिखना है. इफ अ लाइन, अगर कोई भी एक लाइन दो डिफरेंट लाइन के क्या होती है, पैरेलल होती है, तो वो जो दो डिफरेंट लाइन होते हैं वो भी आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं. यहां तक क्लियर हो गया आपको? क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो इसका मतलब अब आप क्या कहोगे, विच इंप्लाइज ओ एम इज पैरेलल टू सी डी, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो नाउ ओ एम इज पैरेलल टू वॉट सी डी, देयर फोर इन ट्राइंगल ए सी डी, कैन आई से दैट ए एम अपॉन एम डी, इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी. अब ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, तो ये क्या हो जाएगा सेकंड, और इसका रीजन भी क्या हो जाएगा, बाय बी पी टी. कोई डाउट है तो बताओ? क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब आप ये देखो ए एम अपॉन एम बी, तो फ्रॉम वन एंड टू कैन आई से दैट ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ, या बी ओ अपॉन क्या हो जाएगा, ओ डी. अब इसके हिसाब से आप बी ओ कर लेंगे हम इसको, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं. अब देखो आपको प्रूफ करना है ए ओ अपॉन बी ओ, क्रॉस कर दो, इसको यहां लेके आ जाओ, विच इंप्लाइज ए ओ अपॉन बी ओ, ये यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओ सी. ओ सी को ही आप लिख सकते हो सी ओ, और जो ओ डी है इसी को हम क्या लिख सकते हैं, डी ओ. तो क्या हो गया, hence proved, and this is a very important question. समझ में आया क्या अप्रोच है क्वेश्चन की, मेन पॉइंट क्या है इसमें, ये कंस्ट्रक्शन. आपने कहा ये इसके पैरेलल होगा तो इस ट्राइंगल में दोनों साइड के रेशियो सेम होंगे. फिर आपने कहा अगर सेम साइड, जैसे ओ एम ए बी ओ एम के भी पैरेलल है और ए बी सी डी के भी पैरेलल है क्योंकि गिवन है, तो अगर एक सेम लाइन दो डिफरेंट लाइन्स के पैरेलल होती है तो वो दो लाइन्स भी आपस में क्या होती हैं, पैरेलल. तो वहां से ये प्रूफ हो गया कि ओ एम इसके पैरेलल होगा. फिर हम इस ट्राइंगल पे हमने पीपीटी को अप्लाई कर दिया, दो इक्वेशन को कंपेयर किया, तो वी हैव आवर प्रूफ. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, उसकी फिगर ये सेम ही रहेगी. ठीक है, क्वेश्चन इज द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट. अब आप खुद ही देख लो, एबीसीडी हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट. अब आप ये कहोगे सर ट्रेपेजियम की तरह क्यों बनाया, तो देखो आगे वो क्या कह रहा है आपको, such that AO upon BO is equal to CO upon DO, show that ABCD is a trapezium. तो ऐसे क्वेश्चन हमने 9th क्लास में भी किए होंगे, आपको याद होगा, chapter 8 quadrilateral. जो प्रूव करना होता है वैसी फिगर बनाते हैं, हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, ट्रेपीजियम. समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, अब ABCD आपको यहाँ पे ट्रेपीजियम गिवन है, पर ये आपको गिवन नहीं है, AB is parallel to CD, तो इसको हम रब कर देते हैं. आप कहोगे ABCD की जगह क्या आएगा, क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral. तो आपने लिखा ABCD is a quadrilateral in which AO upon BO is equal to CO upon DO. क्या इतनी बात समझ में आ रही है? What we have to prove, ABCD is a trapezium. तो टू शो में आ जाएगा ABCD is a trapezium. क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे, सेम कंस्ट्रक्शन रहेगी इस क्वेश्चन में भी. अब मैं कह रहा हूं सेम कंस्ट्रक्शन, तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ड्रॉ ओ एम पैरेलल टू ए बी, तो यहां भी सेम ही होगा. यहां भी क्या लिखोगे आप, ड्रॉ
ओ एम पैरेलल टू ए बी, कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब आप इसके बाद ये देखो, नाउ यू हैव टू प्रूव, सेम वैसे हम स्टार्ट करेंगे। देखो इन ट्राइंगल ए बी डी, तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी बिकॉज ओ एम इज पैरेलल टू ए बी बाय कंस्ट्रक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ए एम अपॉन एम डी, ए एम अपॉन एम डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। इसमें कोई दिक्कत? रीजन रेशियो इक्वल दिखा रहे हो, तो रीजन क्या होगा? बीपीटी। तो रीजन क्या होगा? बीपीटी। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहां तक? ठीक है, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। ऑल्सो ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, ये आपको क्या है गिवन। अब देखो अगर मैं इसको इंटरचेंज करता हूं, क्या करता हूं इंटरचेंज, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ या ओ डी, लिख सकता हूं इंटरचेंज करके, ये फर्स्ट होगी तो ये क्या हो गया सेकंड। अब वन ऑन टू में क्या हो गया, एक साइड आपकी सेम आ गई, तो कैन आई से दैट फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू वी कैन से दैट ए ओ अपॉन ए एम अपॉन एम डी, ए एम अपॉन एम डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ या ए ओ अपॉन ओ सी, क्लियर है यहां तक? ए एम अपॉन एम डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब आप देखो इन ट्राइंगल ए सी डी, नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी बिकॉज ए एम अपॉन एम डी, ए एम अपॉन एम डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, देयर फोर कैन आई से दैट ओ एम इज पैरेलल टू सी डी या डी सी, ओ एम इज पैरेलल टू सी डी या डी सी, जो भी लिखना है आपको, ओ एम इज पैरेलल टू सी डी। अब रेशियो से पैरेलल प्रूफ किया तो रीजन क्या होगा? यस, अगर पैरेलल प्रूफ करोगे तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, पैरेलल प्रूफ करोगे तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक? ठीक है, नाउ ओ एम किसके पैरेलल है? सी डी के। ठीक है, और यहां पर देखो अब ओ एम सी डी के आपको पैरेलल गिवन है, आपने क्या प्रूफ कर दिया? ओ एम इज पैरेलल टू सी डी। अब आपको प्रूफ ये करना है कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। अब बताओ कैसे आगे बढ़ो? सर, ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूफ करना है, तो जैसे हमने पहले लिखा था कि इफ अ लाइन इज पैरेलल टू टू डिफरेंट लाइन, हां ओ एम इज पैरेलल टू ए बी बाय कंस्ट्रक्शन था, ओ एम सी डी के भी पैरेलल आ गया। ठीक है, अब आप लिखोगे नाउ ओ एम इज पैरेलल टू ए बी, ओ एम ए बी के भी पैरेलल है, कैसे है? बाय कंस्ट्रक्शन है, टू सेम लाइन इज पैरेलल टू टू डिफरेंट लाइंस, वही रीजन आ जाएगा, वो रीजन वहीं से आपने उठा के रख देना, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूं, क्यों? बिकॉज इफ अ लाइन is parallel to two different lines, अगर एक line दो different lines के parallel होता है तब क्या होता है? then अब मैं पूरा ही कर देता, तुम्हारा एहसान क्यों लेना है? then these lines are also parallel to each other, कोई doubt है तो बताओ। तो इससे क्या प्रूफ हो गया? AB is parallel to CD, जैसे आपने प्रूफ किया, वी कैन से दैट देयरफॉर ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, क्योंकि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है तो वो ट्रेपीजियम है।
दो पेयर होता तो क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम है। समझ में आ गया कैसे प्रूव करना है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 की ही अप्रोच पर क्वेश्चन नंबर 10 है। बहुत आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, ओके। थ्योरम 6.3 एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। देखो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, इफ इन टू ट्राइंगल्स, तो पहले मैं दो ट्राइंगल बना लेता हूँ। एक ट्राइंगल हो गया आपका ए बी सी, एक ट्राइंगल क्या ले लिया हमने, ए बी सी, एंड अनदर ट्राइंगल इज डी ई एफ, अनदर ट्राइंगल इज डी ई एफ, डी ई एफ। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे क्या कह रहा है, इफ इन टू ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये हमारा गिवन पार्ट है, ये हमारा क्या है, गिवन पार्ट। तो पहले हम गिवन लिखते हैं, तो व्हाट हैज बीन गिवन हियर, टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, ये बात समझ में आ रही है। फिर आपको कहा जा रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इट मीन्स व्हाट, एंगल ए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, देन तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। एक तो ये प्रूफ करना है आपको, तो टू प्रूफ में क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, एक तो ये चीज आपको प्रूफ करनी है। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, एंड और हमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये आपका गिवन और टू प्रूफ है। समझ में आ गया? अब इसको प्रूफ करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या होगा, आप ध्यान से देखो, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कट डी पी, ये एक लाइन है ना, इसे मैंने एक लाइन कट कर दी डी पी, तो आप कैसे लिखोगे, कट डी पी, और किस तरह से कट किया आपने इस लाइन को, कि ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी के, कट डी पी इक्वल टू ए बी, इसी तरह से डी क्यू इक्वल टू ए सी, एंड व्हाट वी विल से नाउ, ज्वाइन पी क्यू, एंड ज्वाइन पी क्यू, ये भी क्लियर हो गया कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रूफ की, अब किसकी बात करते हैं, प्रूफ की, प्रूफ। अब ध्यान से समझना, रिलैक्स होकर समझना, पहले मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूं, कौन कौन से, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, मैंने दो ट्राइंगल ले लिए, कौन कौन से ले लिए, ए बी सी और डी पी क्यू। इतनी बात समझ में आ रही है? क्या आप लोग एग्री करते हो, क्या मैं ये कह सकता हूं ए बी जो है वो डी पी के इक्वल है? यस, तो मैंने कहा ए बी इज इक्वल टू डी पी, रीजन कंस्ट्रक्शन या बाय कंस्ट्रक्शन, एग्री करते हो? कैन आई से दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, गिवन, वेरी गुड, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये क्या हो गया, गिवन, ये भी क्लियर है। कैन आई से दैट ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, रीजन बाय कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन, ये भी समझ में आ रहा है, ये तीनों चीजें क्लियर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैन आई से दैट विच इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंगल, साइड ऑर्डर था, साइड फिर एंगल और फिर साइड, और आपको याद होगा इसमें हम ऑर्डर ही देखते हैं, इसमें हम क्या देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब ये बताओ, नाउ कैन आई से दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, विच इंप्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी पी
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी बोल सकता हूँ, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू, रीजन सी पी सी टी, रीजन सी पी सी टी, एग्री करते हो? ठीक है, अब आप ये देखो, नाउ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, रीजन प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अभी प्रूव किया ना आपने, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, इसका क्या रीजन है? ये भैया हमें गिवन है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट वी कैन से, इट इंप्लाइज एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई, इट इंप्लाइज एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई, यहां तो समझ में आ रही है बात, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई, चलो। एंड अब अगर मैं ये कहूं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू, रीजन प्रूव्ड अबव, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये क्या है आपको? इट हैज बीन गिवन, इट इट इंप्लाइज एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ। इसको अब देखो, एंगल पी एंगल ई के इक्वल प्रूफ हो गया, एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल हो गया। नाउ फोर लाइंस, कौन सी लाइंस? पी क्यू एंड ई एफ। नाउ फोर लाइंस पी क्यू एंड ई एफ, फोर लाइंस पी क्यू एंड ई एफ, पी इज ट्रांसवर्सल, पी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। अगर मैं इसको एंगल वन ले लेता हूँ और इसको एंगल टू ले लेता हूँ, ठीक है, ट्रांसवर्सल, एंगल वन एंड एंगल टू आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एग्री करते हो? तो बोल सकता हूँ है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंड दीज आर इक्वल, एंड दीज आर इक्वल। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो क्या होगा, ये लाइन पैरेलल होंगी, विच इंप्लाइज पी क्यू इज पैरेलल टू, विच इंप्लाइज पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, मानते हो? पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो, नाउ इन ट्राइंगल डी ई एफ, इन ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ, बिकॉज पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, कि पी क्यू भैया किसके पैरेलल है? ई एफ के। Therefore, can I say that DP upon PE is equal to DQ upon QF? Reason? By yes, BPT. By BPT. By BPT. इतनी बात समझ में आ रही है? क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ? Which implies PE upon DP is equal to QF upon DQ? यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आपको देखो क्या करना है, ये आपका वैल्यूएशन आ गई, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको? एडिंग वन टू बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे? एडिंग वन टू बोथ साइड। अब दोनों साइड में हम क्या ऐड कर देंगे? वन ऐड कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पीई अपॉन डी पी प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू एफ अपॉन डी क्यू प्लस वन हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्या हुआ? पी ई अपॉन डी पी प्लस वन इक्वल टू क्यू एफ अपॉन डी क्यू प्लस वन। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ तो क्या आएगा? डी पी, ये हो जाएगा पी ई प्लस क्या हो जाएगा? डी पी होगा। यहां से मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या आएगा? डी क्यू, ये हो जाएगा क्यू एफ प्लस क्या हो जाएगा आपका? डी क्यू। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। देखो पी प्लस डी पी, पी ई प्लस डी पी, कहने से था डी, कहने से था डी, तो ये हो गया आपका डी अपॉन में क्या हो गया? डी पी इक्वल टू, इक्वल टू क्यू एफ प्लस डी क्यू, ये कितना हो गया आपका? डी एफ अपॉन में क्या हो गया आपका? अपॉन में क्या हो गया आपका? डी क्यू, डी क्यू।
इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। बाय कंस्ट्रक्शन डीपी किसके इक्वल था, ए बी के। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, विच इंप्लाइज डी अपॉन ए बी इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू किसके इक्वल था, ए सी के। तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूं, विच इंप्लाइज ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ हम लिख सकते हैं। तो आपने ये प्रूफ कर दिया दोनों ट्राइंगल में ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये आपने प्रूफ कर दिया। आगे आपको क्या करना है, सिमिलरली आगे आप लिखोगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। यहां तक क्लियर है, यहां तक ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, क्या कहा मैंने, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ये समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब देखो आपने प्रूव कर दिया ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, बोल सकता हूं मैं, बोलो। इसको वन ले लो, इसको टू ले लो, इससे पहले तो कोई क्वेश्चन नहीं ली थी ना आपने, तो यहां पे आ जाएगा फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू। प्रूव करने के लिए यही तो कहा था कि साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे, हैंस ये एक सिमिलर होंगे, तो आपने प्रूव कर दिया कि साइड्स के रेशियो इक्वल है, एंड देयरफॉर फिर आप कहोगे ये दीज आर इक्वल, देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीएफ एस एस एस। अगर आप टू प्रूफ में देखो तो क्या कहा था हमने, हमें टू प्रूफ में क्या करना है कि पहले तो साइड्स का रेशियो इक्वल है, फिर हमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल आर सिमिलर। तो जैसे रेशियो इक्वल है ट्राइंगल सिमिलर हो गया, और इसका क्राइटेरिया क्या होता है, एस एस एस, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है, थ्योरम 6.3।